माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। आपने नियम 193 के तहत मुझे बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष महोदय, कृषि और कृषक की स्थिति आज बहुत बदहाल स्थिति में है। थोड़े शांति से जाएंगे इधर उधर, प्लीज। मैं बोलती रहूं, आप तो बोलते रहिए। जैसा आप जानते हैं, कृषि देश की रीढ़ है। इतनी बड़ी जनसंख्या का पेट भरने वाला किसान स्वयं आत्महत्या करने को मजबूर क्यों है? ये बड़ा यक्ष प्रश्न हमारे सामने खड़ा है। दो दिन से मेरे विद्वान साथियों की चर्चा में बड़े ध्यान से सुन रही थी। अध्यक्ष महोदय, किसान और खेती की चिंता व्यक्त करता हर कोई नजर आ रहा था, लेकिन इसका समाधान क्या है? क्या किसान को सब्सिडी मिले, प्राकृतिक आपदा के समय उसको मुआवजा मिले, वो भी ऊंट के मुंह में जीरे जितना? क्या यही समाधान है? नहीं अध्यक्ष महोदय, कृषि को बदलना होगा। कृषि नीति बहुत पुरानी है, उसको समय अनुसार अब बदलने का समय आ गया है। कृषि को वैज्ञानिक तरीके से करना पड़ेगा, कृषि को उद्योग का दर्जा देना पड़ेगा। किसान के पढ़े लिखे बेटे बेटी खेती की तरफ अपना मन बनाए। अध्यक्ष महोदय, ऐसा तब हो पाएगा जब लागत से अधिक आमदनी खेती से प्राप्त होगी। हर खेत को पानी मिले, उपज को उचित मूल्य मिले। अध्यक्ष महोदय, कुछ ऐसे किसान भी हैं जिनके पास अपनी भूमि नहीं है, वो दूसरों की भूमि पर बटाई पर खेती करते हैं, जिनका परिवार पूरी तरह मात्र खेती पर ही निर्भर है, जिनके आय के कोई और स्रोत नहीं है। अध्यक्ष महोदय, घर में कोई नौकरी नहीं है, कोई पेंशन नहीं है। ऐसे में अगर ओलावृष्टि हो जाए, फसल को बीमारी लग जाए, अंधड़ और असमय बारिश हो जाए और फसल चौपट हो जाए, तो वो बेचारा कर्जा कैसे चुका पाएगा, ये भी देखना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, फसल कटाई के समय को लेकर किसान सपने देखता है, अनेक कार्यक्रम बनाता है। शादी करनी है, बच्चों की फीस देनी है, तीज त्यौहार मनाने हैं, घर का सामान खरीदना है, और आप ही बताएं, अगर खेत ही चौपट हो जाएगा, ये सब लूटता हुआ देखकर वो ठगा सा रह जाएगा। अध्यक्ष महोदय, और अध्यक्ष महोदय, उस भूमिहीन किसान के आंसू पोंछने वाला कोई नहीं है। आपको दो लाइनों के माध्यम से बताना चाहूंगी, हल्की सूरत देखी नहीं, हल्की सूरत देखी नहीं, हकदार हजारों बीघे का, हल संग हस्ती मिटा दई, एक बीघे का हकदार नहीं। अध्यक्ष महोदय, ऐसे लोग जिन्होंने कभी हल्की सूरत तक नहीं देखी, उनके पास हजारों बीघा जमीन है, जो खेती करना नहीं जानते, और जिसने हल्के साथ संपूर्ण हस्ती मिटा दी, उसके पास एक बीघा जमीन नहीं है। ऐसे में अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगी कि किसान को सूदखोरों के चंगुल से बचाया जाए, सरल और कम ब्याज पर बैंक ऋण दें, फसल बीमा का सरलीकरण हो, और अध्यक्ष महोदय, मनरेगा को कृषि से जोड़ा जाए, ताकि किसान के खेत में भी काम हो सके। नदियों को आपस में जोड़कर हर खेत को पानी पहुंचाया जाए। अध्यक्ष महोदय, खाद बीज बिजली और पानी मिले, इसकी व्यवस्था हमको करनी चाहिए। राज्य और केंद्र सरकारों को वास्तविक प्रयास करने होंगे खेत और खेती को बचाने के। अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में शनिवार और रविवार को ओलावृष्टि हुई। एक वाकया बताना चाहूंगी, एक महिला कृषक है, पति की मृत्यु हो गई थी, बेटी की मई में शादी है, उसको बैंक से मैंने ऋण दिलाया, दो भैंस उसने खरीदी, अभी बेचती तो शायद 1.5-2 लाख रुपया उसको मिल जाता, और बटाई पर पास वाले किसान का खेत उसने बोया था, फसल तो गई, उसकी दोनों भैंस भी ओलावृष्टि में मर गई, उसकी सिसकियां और उसका रुदन मेरे कानों में गूंज रहा है। ऐसे में सदन को महत्वपूर्ण, कृषि मंत्री जी बैठे, और आपके माध्यम से कहना चाहूंगी, हमारे सरकार को ठोस निर्णय लेने चाहिए। कृषक को बचाना होगा, क्योंकि पेट में अन्न कृषक ही पैदा करता है। धरती का सीना चीर कर
जो अनाज पैदा करके कीड़ी से लेकर पशु पक्षी और मनुष्य तक का पेट भरने वाला कृषक है, अध्यक्ष महोदय आपसे विनम्र निवेदन करूंगी कि उसको बचाने के लिए हमारी सरकार मजबूत कदम उठाए। बस यही कह के अपनी बात को विराम देती हूँ।